हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी जेईई सीवी2 एग्जाम के बारे में, क्या लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग पता है, आपकी आंसर की यहाँ पे जारी कर दी गई है। उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए क्या रह सकती है, यहाँ पे ब्रांच वाइज एकदम सटीक कट ऑफ हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए। लगभग 7,000 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे करने के बाद हम आपके लिए यहाँ पे एकदम सटीक कट ऑफ यहाँ पे लेके आए हम ब्रांच वाइज आप सब लोगों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आरआरबी जेईई एग्जाम के साथ साथ अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। अब दोस्तों, आप कुछ बात कर लेते हैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड। जैसे कि दोस्तों, आप सब लोगों को पता है यहाँ पे जो आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो लगभग यहाँ पे 13,487 आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, और जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 1.5 गुना स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा, यानी कि लगभग लगभग 20,000 स्टूडेंट्स के आसपास आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर सर्वे के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो सर्वे है उसके अंदर जब लगभग लगभग ज़्यादातर स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें मार्क्स, तो लगभग लगभग 20 से 35% के अंदर जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो 75 से 85 के अंदर लाए कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है वो इतने की इतने यहाँ पे जो है यहाँ पे वेरी कर रहे हैं। अब बात करें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं इनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं। तो लगभग बात करें तो 85, 88, 92 और 98 और 100 के ज़्यादा भी कई सारे स्टूडेंट्स के जो इन तीनों ब्रांच में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। अगर हम बात करें दोस्तों सिविल ब्रांच के लिए, तो सिविल ब्रांच में स्टूडेंट्स के काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पे बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो सिविल स्टूडेंट्स के लिए लगभग लगभग 75 से 78 के आसपास जो है यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं। कई स्टूडेंट्स के 85, 88 के करीब है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स के 75 से 78 के आसपास यहाँ पर सिविल ब्रांच के जो है यहाँ पर मार्क्स आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके लिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में जो कितने मार्क्स हैं आपके यहाँ इंक्रीमेंट होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर, तो अगर इजी टू मॉडरेट अगर आपके यहाँ पे शिफ्ट है, तो लगभग 2 से 3 आपके यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज़ होने के पूरे चांसेज है। अगर आपके यहाँ पे जो शिफ्ट है मॉडरेट है, तो उसके अंदर आपके यहाँ पे 5 से 7 मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर आपकी टफ शिफ्ट है, तो लगभग 8 से 11 ही सिर्फ आपके यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात करें, तो यहाँ पे 15 मार्क्स आपके यहाँ पे इंक्रीज़ हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ज़्यादा बात करें मेंस एग्ज़ाम में, जैसे हर बार होता है यहाँ पे, तो उसके अंदर सिर्फ 2 से 5 मार्क्स तक है वो इंक्रीज़ होता है एवरेज हर स्टूडेंट्स के यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पे क्या रह सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोलकाता जोन के लिए, जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पे क्या रह सकती है, तो कोलकाता जोन की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप सब लोग पता, जो वैकेंसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग लगभग 1519 है जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है कोलकाता के अंदर। अगर दोस्तों हम कोलकाता में बात करेंगे, यहाँ पे जो रेड जोन है आप सबके लिए, जैसे कोलकाता इलाहाबाद में जो वैकेंसीज़ है आपकी 1446 आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है इलाहाबाद के अंदर। अजमेर के अंदर आपकी टोटल 825 वैकेंसीज़ है। चंडीगढ़ की आपके अंदर 996 वैकेंसीज़ है। मुंबई में आपकी बात करें तो 1544 टोटल वैकेंसीज़ है, और चेन्नई की बात करें तो 1183 आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। अगर इन जोन में हम बात करें, जो आपके लिए हम बता दिए यहाँ पे कोलकाता इलाहाबाद अजमेर चंडीगढ़ चेन्नई और मुंबई जोन की अगर बात करें, तो इन जोनों में जो है कट ऑफ आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने के चांसेज़ है। अब सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे मैकेनिकल के लिए, जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर क्या रह सकती है। तो यूअर कैंडिडेट्स के लिए अगर बात करें, तो 96 से 104 के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें, तो लगभग लगभग 92 से 94 के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। एससी कैंडिडेट्स की बात करें, तो लगभग लगभग 86 से 90 के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। और एसटी कैंडिडेट्स की बात करें, तो लगभग 78+ आपके यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों अगली ब्रांच के लिए, जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर क्या रह सकती है। अगली ब्रांच में अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे आप सब लोगों के लिए, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया, जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है लगभग 98 से 100 के आसपास या 102 के आसपास काफ़ी स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रखे हैं। तो यूअर कैंडिडेट्स के लिए 95 से 100 के आसपास आपके जो है मार्क्स यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए लगभग 92 से 96 के आसपास। एससी कैंडिडेट्स के लिए लगभग लगभग 85+ और एसटी स्टूडेंट के लिए 78+ आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे अगली ब्रांच के लिए बात करें, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के अंदर भी स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ रखे हैं यहाँ पे।
तो यू आर कैंडिडेट्स की बात करें तो 94 से लगभग 104 के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो 92 से 96 के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 86 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 80 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सिविल ब्रांच के लिए जो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो यूआर कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 92 से 94 के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए लगभग 86 से 90 के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो 80 प्लस, और एसटी कैंडिडेट्स की बात करें हम यहाँ पे तो लगभग 78 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ज़्यादातर जोन है जिनमें आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई रहने के चांसेस है, जैसे कोलकाता, इलाहाबाद, अजमेर, चंडीगढ़, मुंबई और चेन्नई। तो इन जोनों में हम आपको यहाँ पे कट ऑफ बता चुके हैं जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। अब बात करेंगे दोस्तों जो अगले जोन है जहाँ पे जो कट ऑफ है आपकी थोड़ी मीडियम और लो रहने के चांसेस है, यानी हम बात करें त्रिवेंद्रपुरम, भोपाल, रांची, गोरखपुर, पटना, बेंगलोर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी। तो इन जोनों में से अगर बात करें दोस्तों मीडियम जोन में जो आते जैसे कि गोरखपुर, भोपाल, पटना, बेंगलोर और भुवनेश्वर, इन जोनों में दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी मीडियम जाती है। तो इनमें से अगर हम बात करें दोस्तों जैसे कि आप सब लोग पता है भोपाल में आपकी वैकेंसीज़ है, टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 383 आपके यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ है। गोरखपुर की बात करें तो 645 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। पटना की बात करें तो 249 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। बेंगलोर की बात करें तो 708 आपकी वैकेंसीज़ है, और अगर गुवाहाटी की बात करें तो 586 आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। अब दोस्तों इन जोनों की अगर हम बात करें जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या रह सकती है, तो मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लगभग 94 से 98 के आसपास आपकी यूआर कैंडिडेट्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। ओबीसी कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लगभग 92 से 96 के आसपास रह सकती है। एससी कैंडिडेट्स की बात करें आपकी जो कट ऑफ है लगभग 84 प्लस रह सकती है यहाँ पर। एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 78 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। अगली ब्रांच की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे अगली ब्रांच में इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग की बात करें तो यूआर कैंडिडेट्स की जो है यहाँ पे 92 से 98 के पास आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें दोस्तों यहाँ पे तो लगभग 80 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। और एसटी कैंडिडेट्स की अगर हम बात एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 84 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 78 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इन जोन से रह सकती है। तो अगली अगर हम ब्रांच की बात करें यहाँ पे दोस्तों सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग के लिए, तो यूआर कैंडिडेट्स के लिए लगभग 90 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 86 प्लस आपकी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 80 प्लस, और एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो 76 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। अगली ब्रांच की अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, जैसे कि आप सब लोग को पता है स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, यूआर कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 94 से 96 के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 92 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है यहाँ पे। एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो लगभग 84 के आसपास आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है, और एसटी कैंडिडेट्स की बात करें यहाँ पर लगभग 76 प्लस आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बाकी के जोन से बचे हुए उनकी अगर हम बात करें जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उन जोन में क्या रह सकती है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे आपके लिए भुवनेश्वर, बिलासपुर, त्रिवेंद्रपुरम के अंदर जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो दोस्तों अगर इन जोन्स की बात करें तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे लगभग और जोनों के मुकाबले थोड़ा लो रहने के चांसेस है यहाँ पे। तो अगर इन जोनों में अगर हम बात करें जो आपकी वैकेंसी, जैसे त्रिवेंद्रपुरम में 137 वैकेंसीज़ हैं आपकी टोटल, और बात करें दोस्तों रांची में 365 आपकी वैकेंसीज़ है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे इन जोनों में कट ऑफ की बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है चाहे आप किसी भी देख ले, एएलपी की देखें या ग्रुप डी की, जो आपकी कट ऑफ है यहाँ पे कम रहती है। अगर इन जोनों में आपने अगर फॉर्म भरा है और अगर आपके मार्क्स इतने से इतने बीच के आते हैं तो लगभग आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए सिलेक्शन 100% यहाँ पर हो सकता है, आपको बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर इन जोनों की अगर हम बात करें एक कट ऑफ के लिए तो एक एवरेज कट ऑफ, क्योंकि इन जोनों के जो स्टैंड्स है वो काफ़ी कम मात्रा में जो है उन्होंने मार्क्स शेयर करे, तो इनके लिए अगर हम एक एवरेज कट ऑफ की बात करें सारे जोनों का ब्रांच वाइज मिला के, तो इनमें जो यू आर कैंडिडेट्स की अगर लगभग 92 प्लस आपके मार्क्स है तो आप अपने आप यहाँ पे सेफ समझ सकते हैं।
ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 90+, एससी कैंडिडेट्स के लिए लगभग लगभग 84+ अगर आपके वहाँ पे मार्क्स है, और एसटी कैंडिडेट्स के लिए अगर 76 मार्क्स है तो अपने आप को यहाँ पे आप सेफ समझ सकते हैं अगर आपने इन जोनों से फॉर्म अप्लाई किया है तो। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हमने आपके लिए सारी जोन्स का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए बता दी, और ये दोस्तों उन्हीं जोनों के लिए ज़्यादातर हमने कट ऑफ बताई जिनके जो छात्र हैं जिन्होंने अपने यहाँ पे मार्क्स शेयर करे। तो दोस्तों एकदम एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे क्या आपके अगर 75+ नंबर है तो क्या आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपके ये शिफ्ट भी बात डिपेंड करेगी आपका, अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, अगर हम बात करें आपके यहाँ पे तो 15 तक अगर आपके मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे उम्मीद हो सकती है कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। अगर आप थोड़े नीचे वाले लोगों के लिए, अगर आप उन जोन्स में अगर आपने फॉर्म भर अप्लाई किया हुआ है तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आपके लिए एकदम सटीक कट ऑफ लेके आए, लगभग 7000 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे करने के बाद हम आपके लिए यहाँ पे कट ऑफ लेके आए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।